छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं उड़ीसा का जो एग्जिट पोल है वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए, एक साथ एग्जिट पोल देखने का मजा भी नहीं है, धीरे धीरे करके देखिए, समझिए कि किस किस स्टेट के अंदर कहाँ कहाँ समीकरण कैसे कैसे बैठे। 21 सीटें हैं वहाँ पर लोकसभा की, 13 सीटें बीजेपी, बीजेडी की करीब, बीजू जनता दल जिसको हम कहते हैं, तो करीब 8 सीटें वहाँ पर हैं। कांग्रेस का वहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। मोटा मोटी ये वहाँ का समीकरण है जो भी हम आपके सामने है। बीजेपी वन ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है लोकसभा की इस 21 सीटों में, आप 13 सीटें देख पा रहे हैं। असम का लेके आइए, असम आपको पता है कि इस मामले में थोड़ा सा सेंसिटिव है, वहाँ के जो CM है वो अपने आप में थोड़े से एग्रेसिव भी हैं, हिंदूवादी सोच रखते हैं, इससे पहले कांग्रेस उनकी पृष्ठभूमि थी लेकिन शिफ्ट होकर वो बीजेपी की तरफ चले गए थे। और इस समय की तस्वीर ये है कि वहाँ पे उनका जो सख्त रवैया है वो पोलराइजेशन के अंदर बहुत काम आता है, आप ये बात अच्छे से नोटिस करते होंगे। ये बात ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही आपके सामने बात रखें, ये नीचे असम का पोल आप नीचे देख पा रहे होंगे, आउट ऑफ 14 सीट्स में जो अभी आपको स्क्रीन पर आएगा 12 सीटों को बीजेपी दे रही। उनके बारे में ये कहा जाता है कि हेमंत जी जो है वो अपने आप में कांग्रेस है वहाँ पे। आपको इससे पहले पता ही होगा कि असम के अंदर पूरी तरह से पहले कांग्रेस का एक पार्टी रहती थी और उसके बाद फिर हेमंत जी आए, चुनाव जीते, सेंटर ने उनको CM बना दिया सीधा ही, और उसके बाद से सारी चीज़ें बदलती हुई आपको दिखी हैं। अब वहाँ पे कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर नहीं रहा, ये चीज़ें असम की बहुत साफ साफ है। इसमें से आप 12 सीटें इसलिए बीजेपी के पक्ष में देख पा रहे हैं जो एग्जिट पोल बता रहा है, कांग्रेस को एक ही सीट वहाँ पर मिल पा रही है। ये असम का पोल हमने आपके सामने रख दिया। ओडिशा और असम के अंदर फिर से बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वहाँ पर बन रही है। ये दो स्टेट्स और होंगी जो गैर हिंदी भाषी स्टेट्स हैं जहाँ पर बीजेपी की लीडरशिप है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, पॉलिटिकल पंडित हमारे साथ बने हुए हैं, उन सब से हम जितना समझ पा रहे हैं वो सब को सब आपके सामने रख रहे हैं। कोई हवाबाजी नहीं, कोई शोशेबाजी नहीं, सीधा सीधा फैक्चुअल डाटा पे और सीधे सीधे सवाल, सीधे सीधे जवाब दे रहे हैं। छोटा सा ब्रेक।